हेलो एवरीबॉडी, आज हम बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड येट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। और ये कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे डेवलप किया है एलन मस्क ने। इसका नाम है न्यूरालिंक और ये सिंपल बनाने वाले हैं बिकॉज दिस इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एंड आई एम आशीष सैनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ये वर्ल्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे उस पार्ट में रिसर्च हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जहां पे सबसे कम रिसर्च हुआ है अभी तक के, वो है न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो है ऐसा डिपार्टमेंट जो ब्रेन से रिलेटेड है। मैं इस टेक्नोलॉजी को आपको समझाने के लिए इसे एक यूजर इंटरफेस से कंपेयर करूंगा। तो यूजर इंटरफेस होता क्या है? यूजर इंटरफेस वो चीज है जो एक ह्यूमन को और मशीन को मिलाता है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ मशीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कंप्यूटर को इनपुट देना है, आपको कुछ कमांड देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक तो फिर अपने कीबोर्ड पे टाइप करोगे, या फिर आप अपने माउस से कोई भी इंटरेक्ट करोगे, या फिर वो टच स्क्रीन वाला अगर लैपटॉप है तो आप उस तरह से उसे ऑपरेट करोगे, या फिर आप वॉइस रिकॉग्निशन से करोगे। तो ये सारे जो तरीके हैं, ये सारे यूजर इंटरफेस हो गए आपके, जिसकी हेल्प से आप जो भी एक्शन दिलवाना चाहते हो उस कंप्यूटर को आप दे सकते हो। तो ये बेसिकली एक ब्रिज, यूजर इंटरफेस एक ब्रिज है। आपके थॉट्स जो आपके ब्रेन के अंदर है, उन्हें आप अपने एक मशीन के अंदर डाल सकते हो। वैसे ही अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर करूं अपनी बॉडी से, तो आपके अंदर के जो भी थॉट्स हैं, जो भी ब्रेन में एक्टिविटीज है जो आप रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करना चाहते हो, वो आपके बॉडी के यूजर इंटरफेसेस से देते हो, आप रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करते हो। तो आपके बॉडी के यूजर इंटरफेसेस क्या हुए? आंखें हो गई, मुंह हो गया, हाथ हो गए, ये सारी जो चीजें हैं वो यूजर इंटरफेसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ लिखना है तो वो जो थॉट्स है वो आपके ब्रेन में है। अगर आपको उन्हें बाहर किसी बुक पे लाना है तो आपको हाथों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप लिख पाओगे। सो ये आपका यूजर इंटरफेस हो गया आपकी बॉडी के लिए। हम ह्यूमंस बीइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स है, मैं उसे आसानी से आपके सामने कैसे रखूं, उन्हें कितना अच्छी तरह से प्रेजेंट करूं कि मेरी हर ऑडियंस को मेरी हर बात समझ आए। और हम ये सब जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है थॉट लाना दिमाग में। यानी अगर वो विचार ही दिमाग में नहीं आया तो आप उसे किसी को बताने का या एक्सप्लेन करने की तो बात सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है थॉट के लिए, क्योंकि अगर मुझे आपको कुछ भी कन्वे करना हो तो मुझे कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जिस पर आप अवेलेबल हो, जिसे आप समझ सकते हो, और वहां पर ही आके मैं कुछ कह सकूं। सो एलन मस्क का जो प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक नाम का, वहां पर वो लोग इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सो इनका ये सेकंड जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट काफी बड़ा था साइज में और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, लेकिन सेकंड जनरेशन एक कॉइन साइज्ड चिप है जो आपके स्कल में फिट हो जाती है और इसे एक सर्जरी के थ्रू फिट किया जाता है। वो सर्जरी भी एक रोबोटिक आर्म से होती है जो इसी ब्रांड ने यानी न्यूरालिंक ने ही डेवलप किया है। और ये जो सर्जरी होती है वो आधे एक घंटे से ज्यादा नहीं लेती। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वो चिप इंसर्ट करवा देते हो अपने स्कल में तो आप आधे एक घंटे के बाद आपकी सर्जरी खत्म हो जाएगी और आप सेम डे पे घर भी जा सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि अगर आपको आपकी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना है, अब इमेजिन करिए आप इंडिया से बिलोंग करते हो और आपकी ऑडियंस जापान से बिलोंग करती है। अब प्रॉब्लम कहां होगी? आपके पास कंटेंट है, आपके पास सलूशन है, आपके ऑडियंस के पास प्रॉब्लम है और उसे भी पता है कि आप ही एग्जैक्ट पर्सन हो जो उसे सलूशन दे पाओगे, और आपको भी पता है कि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है और आप कन्वे भी करना चाहते हो। लेकिन यहां बैरियर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा लैंग्वेज बैरियर। यानी दोनों का पर्पस सेम है, दोनों करना चाहते हैं कम्युनिकेट, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ही अलग है। यानी आपकी लैंग्वेज वो नहीं समझ पाएंगे, उनकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पाओगे। यानी दोनों के बीच में जो एक कॉमन ग्राउंड्स होना चाहिए वो लैक कर रहा है इसके। ये चिप इस केस में हमें बहुत हेल्प कर सकती है। ये चिप क्या करेगी? ये हम सब ह्यूमन बीइंग्स को एक कॉमन ग्राउंड्स पे लाने में हेल्प करेगी। यानी ये जो लैंग्वेजेस है वो हमने बनाई है, वो हम ह्यूमंस ने बनाई है, इसीलिए ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से ये चीजें डिफर करती है। सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, आपके डायलेक्ट डिफर करते हैं, आपकी स्पीच की स्पीड डिफर करती है, आपका एक्सेंट डिफर करता है और काफी सारी चीजें। पर हम इसे सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं जो सोचता हूं ना उसे मैं किसी लैंग्वेज में या किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करता हूं, लेकिन जब ये चिप होती है ना तो ये जो चिप होती है वो सीधा मेरे ब्रेन से आपके ब्रेन में कम्युनिकेट करती है। यानी हमारे अंदर जो ब्रेन्स की खुद की लैंग्वेज है, जो न्यूरॉन्स वाली लैंग्वेज है, वो तो सबकी वर्ल्ड में हर एक ह्यूमन बींग के ब्रेन की सेम ही है। तो वहां पर मेरे को आपसे कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आप जो मेरे वीडियोस देखते हो, आपको कंटेंट पसंद भी आता है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट आपको
अगर कुछ भी अच्छी बातें लगती है, बुरी बातें लगती है, कोई भी टाइप का एटलीस्ट रिएक्शन दीजिए, लाइक डिसलाइक कमेंट कीजिए, और 100% एटलीस्ट सब्सक्राइब करके जाइए। ऑफकोर्स इट वॉज अ जोक। अब एक रियल एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख लो कि ये टेक्नोलॉजी एक पैरालाइज्ड बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत काम करेगी। अगर कोई पेशेंट है जिसको कोई भी टाइप का पैरालिसिस हो गया है, या उसकी नर्वस सिस्टम इतनी डैमेज हो गई है कि उसके ब्रेन से जो भी कम्युनिकेशन उसके लिम्स में ना जाना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं कोई गर्म चीज को फॉर एग्जाम्पल टच करता हूँ, तो क्या होता है हमारी बॉडी में, अगर ये चीज को मैं टच करता हूँ जब भी, तो ये इन्फॉर्मेशन सीधा मेरे नर्वस सिस्टम के थ्रू होकर मेरे ब्रेन को कम्युनिकेट करती है, और मेरा ब्रेन डिकोड करके मुझे वापस से यहाँ पर कम्युनिकेट करता है कि इसे मत छुओ, ये आपको डैमेज करेगा। अब समझिए, वो जो थ्रू, यानी मैं जब बोल रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन जाता है, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है। अगर किसी हिसाब से नर्वस सिस्टम डैमेज हो गई है, या फिर रिसेप्टर यानी आपका हाथ या फिर आपका ब्रेन डैमेज हो चुका है, तो ये पूरी सिस्टम जो है उसमें से एक भी पार्ट अगर काम नहीं करता तो पूरा सीन प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहां पर हमारे लिए चिप क्या हेल्प कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपका पूरा अगर कम्युनिकेशन सिस्टम ही खराब हो चुका है, नर्वस सिस्टम ही खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उस केस में वो चिप यहां पर जब हमने लगाई है हमारे ब्रेन से कम्युनिकेशन के लिए, हम हमारे हाथ में प्रोस्थेटिक हैंड्स यानी आर्टिफिशियल मशीन वाला हाथ लगा सकते हैं, और वो हाथ डायरेक्टली वाईफाई या ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करेगा हमारी चिप के साथ। यानी जब भी कोई एक्शंस हमारी चिप को इसको देने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं टच करना है, या टच करना है, या इसे इसे इस तरह से ग्रैब करना है, या छोड़ देना है, या धक्का मारना है, ऐसे सारे इनपुट्स और एक्शंस डायरेक्टली यहां से यहां आ सकते हैं वायरलेस मीडियम के थ्रू, ना कि जो ट्रेडिशनल हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू। अब ऐसा ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। अगर हम ब्रेन से यहां पर इनपुट दे सकते हैं, तो हम यहां से ब्रेन में भी इनपुट दे सकते हैं। आप यही एग्जाम्पल लीजिए एक ब्लाइंड के या फिर डेफ या डम के केस में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो देख नहीं पाते, तो अब उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम, कि एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं जो उनकी आईज को रिप्लेस करेगा, और वो कैमरा जो भी चीजें देखेगा वो डायरेक्टली सेम तरीके से इनपुट देगा ब्रेन को, और वो ब्रेन उस पिक्चर को देख पाएगा। सेम उसी तरीके से हम अगर देखें कि डेफ और डम्ब के केस में वही पर्सन अगर सुन नहीं सकता या बात नहीं कर सकता, तो हम स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली हम थ्रू दैट चिप जो एलन मस्क ने डेवलप की है उसके थ्रू हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे ब्रेन के लिए। सो वो जो लैंग्वेज, वो जो नर्वस सिस्टम है, उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसे हम ओवरलैप कर रहे हैं जो शायद किसी भी रीजन से डैमेज हो चुकी हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें 2020-2021 में पूरा FDA की तरफ से ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। आई अंडरस्टैंड कि हर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, हमने यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉजिटिव्स ही डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि शायद वही ब्लेड जो आप रोज सुबह शेव करने के लिए यूज करते हैं, वही ब्लेड जो शायद एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में यूज करता है किसी की जान बचाने के लिए, और वही ब्लेड से एक गुंडा शायद किसी का गला काट सकता है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक प्रोडक्ट नहीं होता जो अच्छा या बुरा होता है, उसका यूजर डिफाइन करता है वो अच्छा या बुरा है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप कोई भी टाइप का अपना रिएक्शन दे सकते हैं, वो लाइक हो, डिसलाइक हो, कमेंट हो, या सब्सक्राइब करना हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।